नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल लैपटेक कुमोद पर। मैं आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड करने के बाद बहुत सारी क्वेरीज आई हैं मेरे को कि सर कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या मैं DMLT का एग्जाम दे चुका हूं, मेरी मार्कशीट नहीं आई है, मैं फॉर्म फिल कर सकते हैं नहीं कर सकते। जी हाँ, आप दोस्तों फॉर्म फिल कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, जो एग्जाम डेट होती है वो बहुत बढ़ जाती है। दूसरी क्वेरी आई है कि हम सर न्यू बच्चे हैं, PCM से हैं, हमने जो है PCM है हमारा, लेकिन हमने बायोलॉजी एडिशनल में ले रखी है, क्या मैं लैब अटेंडेंट या हॉल डिसेक्शन अटेंडेंट का फॉर्म भर सकते हैं? तो आप भर सकते हो। एक क्वेरी आई है आपकी संविदा एम्प्लॉय के लिए, सर मेरे पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, मैं भर सकता हूं कि नहीं? तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप नहीं भर सकते हैं फॉर्म। आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है तो आप क्या कर सकते हैं, आप फॉर्म फिल करें और जनरल से फाइट करें। एक क्वेरी जो आई है, ये क्वेरी है कि DMLT, BMLT, MMLT की परीक्षा हो गई है, मार्कशीट आ गई है, ऑनलाइन मार्कशीट आई है, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो आप क्या करिए, आप जाइए MP ऑनलाइन पर जाइए, आप रजिस्ट्रेशन कराइए, रजिस्ट्रेशन की जो आपकी कॉपी मिलती है वो आप उसमें सबमिट कीजिए, क्योंकि MPESB कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगता है, लेकिन इस बार उन्होंने डॉक्यूमेंट्स का जिक्र किया है, जो कि मैं आपको 1x1 उसके बारे में सारी जानकारी प्रोवाइड करा दूंगा। अब आप देखेंगे एक और तीसरी जो क्वेरी है कि एक से अधिक पोस्टों के लिए हमें क्या अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा? तो नहीं, आपके लिए एक ही आवेदन करना पड़ेगा, एक ही बार आपको फीस देनी पड़ेगी, अलग अलग डेट में एग्जाम जरूर कंडक्ट होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप अपने एक रफ रजिस्टर में बना लेंगे, पहले आपको क्या प्रेफरेंस देनी है, लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट, एक एग्जाम्पल दिया मैंने, बाकी भी पैरामेडिकल कैडर या नर्सिंग कैडर के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। तो क्या योग्यता होगी, क्या परीक्षा का कार्यक्रम होगा, परीक्षा के कौन कौन से शहर होंगे, और आपका परीक्षा भरने की तिथि, संशोधित करने की तिथि क्या होगी, क्या सावधानियां रखें। आप क्या करते हैं कई बार कि आप किसी नियर बाई जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उसमें प्रेफरेंस पहले दे देते हैं और DHS में बाद में देते हैं। अब आपके नंबर ज्यादा आ जाते हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो आप सोचते हैं कि सर DHS में तो कम नंबर पर सिलेक्शन हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ? तो आप हमेशा याद रखें कि ऐसी कंडीशंस में नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा हो जहां, वहां पहले प्रेफरेंस करें, ताकि अगर आपके नंबर भी कम आएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, देन उसके बाद दूसरी जगह करें। अरे भाई, आप कहीं के भी रहने वाले हो, आपका ट्रांसफर हो जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है? आप DHS में जाओगे, आप ट्रांसफर करा, कम से कम एटलीस्ट नौकरी तो मिल जाएगी आपको। तो ऐसी सारी योग्यता के लिए, ऐसे सारे आपको एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, कब तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या क्या सावधानियां रखें, मैं आपको 1x1 डिटेल्ड नोटिफिकेशन का वीडियो प्रोवाइड करा देता हूं। चलिए, तो आप देखिए, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की एक PDF ओपन हो गई है। PDF ओपन के बाद आप देखेंगे कि इसमें थोड़ा सा ये परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका दी हुई है। आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि जो है 26 नवंबर 2024 से है, और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 10/12/2024 तक है। आप सब लोगों ने रूल बुक रीड की होगी, लेकिन मैंने कल नाइट में ये सारे पॉइंट लिख लिए थे कि आपको क्या क्या क्वेरीज हैं और उसको हम कैसे सॉर्ट आउट करें। तो आवेदन पत्र में संशोधित करने की तिथि भी आपकी, जैसे आवेदन भरना चालू होते हैं तब से चालू हो जाती है, आवेदन पत्र में संशोधित करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर है। एग्जाम की जो डेट है, परीक्षा दिनांक एवं दिन है, वो है 10 जनवरी 2025। फी आप सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, जिन लोगों ने एग्जाम दो दो तीन तीन बार दे रखा है 500 रुपए है। अन्य पिछड़ा वर्ग EWS और दिव्यांग जन अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपए है। बाकी बैकलॉग हेतु एक भी फीस नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो परीक्षा दिनांक जो होगी वो दो पालियों में होगी। प्रथम पाली में 7 बजे से 8 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम है, 8:30 से 9 बजे तक 10 मिनट का आपका दिशा निर्देश पढ़ने के लिए है, और 9 से 10 आप जो है उत्तर अंकित करने के लिए, मतलब 2 घंटे का होता है। अगर दो पाली में होता है तो ये आपके लिए फायदे वाला हो जाता है, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन में अगर टफ पेपर आया तो आपके नंबर थोड़े से इंक्रीज हो जाएंगे, और जो अगर इजी पेपर आया तो उसके नंबर कम हो जाएंगे। अब मैं पॉइंट बाई पॉइंट आपको पढ़ के बता देता हूं, जो जो हमें लगता है कि पॉइंट नंबर 5 पढ़ना चाहिए, बाकी तो रूल बुक बहुत बड़ी है। सो आपको पॉइंट नंबर 5 मैं पढ़ के बता देता हूं। ये आपको 1, 2, 3, 4 हमेशा याद रखना है जब भी फॉर्म फिल करते हैं आप, कि क्या क्या आपको सावधानियां रखनी चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके जाना चाहिए, अभी की पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। चलिए, ये पॉइंट नंबर 5 के बारे में बता देता हूं, अहरकारी अंक। आप सब जानते हो कि आप
अगर अनरिजर्व कैटेगरी के हो तो अनरिजर्व कैटेगरी में आपको कम से कम जो है 50% मार्क्स चाहिए, उसके नीचे आप एलिजिबल नहीं है। दूसरा एसटी एससी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% मार्क्स चाहिए। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, संविदा में आपको समझाऊंगा। अगर संविदा में 40 से और 50 से नंबर अगर किसी के कम आते हैं तो वो जितनी भी पोस्ट हैं वो सारी की सारी पोस्टें आपकी कहाँ जाएंगी, अनरिजर्व के खाते में चली जाएंगी। तो ऐसा मत सोचिए कि संविदा की 50% रिजर्वेशन है संविदा में, मान लो 100 पद हैं 50 हैं, अगर वो भरे नहीं गए तो वो खाली रह जाएंगे, नहीं, वो आपको मिलेंगे। अगला पॉइंट मैं आपको सातवां समझाता हूँ, सेवा समूह सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय की ये पूरी एक बोधिया है। इसमें लिखा हुआ है कि जो समूह पांच के पद हैं वो नर्सिंग स्टाफ पैरामेडिकल स्टाफ के हैं, वो तृतीय श्रेणी में आते हैं, आप सब जानते हो बखूबी। आठवां पॉइंट जो है परीक्षा का आयोजन है, परीक्षा का आयोजन जो है विभागों के लिए बोर्ड द्वारा अंतिम रूप प्रदान किए गए पाठ्यक्रम के आधार पर, मतलब जो उन्होंने आपका सिलेबस दिया है उसी के आधार पर ही होगा। 9.4 पॉइंट आपको समझा देता हूं, 9.4 मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमा। ऐसा इसलिए कि अगर कोई भी एमपी के बाहर वाला कैंडिडेट अप्लाई करता है, कोई भी एप्लीकेंट, तो उसको पहली चीज तो कोई भी आयु सीमा में छूट नहीं मिलेगी, चाहे वो एसटी एससी ओबीसी किसी भी कैटेगरी का हो। और एक बार वो याद रखना है आपको कि उसका सिलेक्शन अनरिजर्व में होगा। अब सीधे चलते हैं दसवें पॉइंट पे, तो दसवां पॉइंट क्या बोल रहा है, दसवां पॉइंट बोल रहा है अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाना। अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र ऑनलाइन पद्धति से करेंगे, आप सब जानते हो ऑनलाइन से करेंगे, किसी प्रकार का ऑफलाइन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी एक से अधिक पद के लिए विकल्प दे सकेगा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया वीडियो में, मान लो आपको 3-4 पद भरने हैं तो आप दे सकते हैं, एक ही आवेदन भरना पड़ेगा। 11 में दूसरा कॉलम, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग का कोई उम्मीदवार अपनी योग्यता के आधार पर अनारक्षित ओपन सूची में स्थान प्राप्त कर लेता है तो उसकी अनारक्षित श्रेणी की गणना की जाएगी। सपोज अगर कोई एसटी एससी ओबीसी वाला बच्चा है, जनरल से ज्यादा नंबर ला लेता है तो वो अनरिजर्व में उसका सिलेक्शन हो जाएगा और जो उसकी खुद की कैटेगरी की सीट है वो रिक्त रह जाएगी और वो अपने साथियों के लिए, मतलब एसटी एससी ओबीसी के जो वेटिंग वाले बच्चे होंगे उनको मिल जाएगी। तो एक अच्छी बात है ये। 13 का मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक भोपाल दिनांक 10/10/2006 की खंड का 3 एवं 4 के अनुसार परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी सूची के तब तक विभागों में प्राप्त जानकारी के आधार पर उपलब्ध कुछ पद संख्या 15% की प्रतीक्षा सूची, मतलब आपका जितना सिलेक्शन होगा जितनी नंबर ऑफ पोस्ट होंगी, सपोज 363 या 362 पोस्ट है तो उसके अलावा 15% और वेटिंग तैयार की जाएगी और वो परिणाम घोषित होने के 1 वर्ष तक या नवीन परीक्षा परिणाम घोषित होने, मतलब जब भी आपकी नया एडवर्टाइजमेंट आएगा उसके पहले तक वो मान रहेगी। तो ये भी अच्छी बात है कि 1 साल तक अगर कोई काउंसलिंग करा लेता है तो आपकी वेटिंग क्लियर हो सकती है। अब पॉइंट नंबर 13 पढ़ लिया मैंने, पॉइंट नंबर 16 पढ़ते हैं, 16 का तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, संविदा कर्मियों हेतु नियम। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए संविदा कर्मियों हेतु। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि संविदा वालों को जो आरक्षण दिया है वो दिया है 50%। अब 50% बहुत हो जाती है, सपोज 300 पोस्ट तो 150 उन्हें जा रही है सीधी सीधी। लेकिन ऐसा भी है भाई साहब कि संविदा वालों को 5 साल का अनिवार्य रूप से एक्सपीरियंस चाहिए जिला सक्षम अधिकारी द्वारा या फिर संभागीय स्तर पे। अगर उनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसे में अगर रिक्त पद बचते हैं तो वो ओपन में जाएंगे, सारे के सारे अनरिजर्व में जाएंगे, इतना याद रखना, मतलब आपका भला हो सकता। दूसरा क्लॉज क्या है, कैसे कैरी फॉरवर्ड होंगे पद, अगर उनके मेल कैंडिडेट में 50 नहीं आ पाते जो 50 के लिए एलिजिबल है और मान लो अगर फीमेल में भी 50 नहीं आ पाते, एसटी एससी ओबीसी के 40 मार्क नहीं आ पाते इसी संविदा एम्प्लॉय के, तो वो सारे के सारे पद कैरी फॉरवर्ड होंगे कहां पे, जनरल ओपन में, ओपन से फाइट कर सकते हैं सब। तो अब मैं आपको बता देता हूं वन बाय वन कि कहां कितने पद रिक्त हैं, क्या एसेंशियल परीक्षा केंद्र तो आप जानते हो, लार्जेस्ट सिटी जो है हमारी एमपी की वो है, और बालाघाट है, नीमच है, मंदसौर है, ये सारी चीजें हैं। फॉर्म को आपको प्रॉपरली फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स में इस बार जरूर इन्होंने लिख रखा है कि डॉक्यूमेंट्स आपको पहले चाहिए, लेकिन मैं बोलूंगा कि आप फॉर्म फिर भी फिल करें, कोई दिक्कत नहीं है। पदों का एक जाय विवरण मैं आपको बता देता हूं, नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स के 55 पद हैं, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के 103 पद हैं, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस के 323 पद हैं, रेडियोग्राफर डार्क रूम असिस्टेंट रेडियोग्राफर रेडियोग्राफर टेक्नीशियन के 76 पद हैं, ओटी टेक्नीशियंस के 144 पद हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के 5 हैं,
ऑप्टोमेट्रिस्ट के 11 हैं, डेंटल हाइजीनिस्ट, डेंटल मैकेनिक, मतलब ये पूरे रीड कर सकते हैं आप कितने कितने पद हैं। लैब अटेंडेंट, डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट, ओपीडी अटेंडेंट, ड्रेसर ग्रेड 2, डायलिसिस अटेंडेंट के 129 पद हैं। इसमें से संविदा के भी 50% इसी में हैं। अब वन बाई वन आप जैसे ही नीचे जाएंगे तो देखेंगे आप विभागवार पदों का विवरण है। संचनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश, जी हाँ, तो संचनालय स्वास्थ्य सेवा मध्य प्रदेश भोपाल में ही आपको सबसे पहले आपको क्लिक करना है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा पोस्ट यहीं होती हैं। तो अपन लेबोरेटरी टेक्नीशियंस की बात कर लेते हैं, बाकी आप रीड कर सकते हैं। सीधी भर्ती अगर हम देखें तो 44 अनरिजर्व के हैं, ईडब्ल्यूएस के 9 पद हैं, अनुसूचित जाति के 15 हैं, अनुसूचित जनजाति के 19 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के 25 हैं, कुल मिला के जो है 162 पद हैं। ऐसे आप सतना में अगर देखेंगे तो टेक्नीशियंस के 29 पद हैं और टेक्नीशियन असिस्टेंट के आपके 41 पद हैं, लेब अटेंडेंट के 29 पद हैं। अगर शिवनी मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे तो 10-10 पद हैं टेक्नीशियंस के और आप रीड कर सकते हो इसको। जो जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। और नीचे नीमच मेडिकल कॉलेज में भी टेक्नीशियंस के 10 पद हैं, महात्मा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में लैब टेक्नीशियंस के 2 पद हैं। अब इसमें किसी में टेक्नीशियन असिस्टेंट, किसी में लैब टेक्नीशियन, किसी में क्या लिखा है, वो सारी चीज़ें एक ही हैं, मत आप टेंशन लीजिए। इसका ग्रेड पे मैं बता देता हूँ किसी एक का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या स्थिति है। आप सब जानते हो कि लैब टेक्नीशियंस का जो ग्रेड पे होता है वो 28,700 होता है। देखिए, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश, DHS, CSC, PSC, जिला अस्पताल, ये सारी चीजें आती हैं। लेबोरेटरी टेक्नीशियंस के कुल 162 पद हैं। इसमें आपका ग्रेड पे मैं बता देता हूं, ग्रेड पे इसमें 28,700 है से 91,300, मतलब जो 2800 ग्रेड पे होता है वो। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो DMLT, MMLT और BMLT रहेगा। इसमें आप मूल पद को ना गिने कि जितने पद विज्ञापित हुए हैं उसको ना गिने। क्यों? क्योंकि अभी जो 13% का आरक्षण है OBC का, वो कोर्ट के अधीन है, माननीय उच्च न्यायालय के अधीन है, तो उसको आप छोड़ दो क्योंकि कोर्ट का निर्णय इतनी जल्दी होने वाला है नहीं है। तो आप हर एक सेक्शन में किसी भी पैरामेडिकल कैडर की भर्ती हो, नर्सिंग कैडर की भर्ती हो, दूसरे पॉइंट को पढ़ो। दूसरा पॉइंट क्या है आपका? अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण के अनुसार कुल 27% पदों की मुख्य आरक्षण तालिका, मतलब ये दूसरे क्लॉज के जो आपके ओपन महिला SC ST OBC के पद हैं वही आपके पद हैं। अब इसके बाद लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, टेक्नीशियन असिस्टेंट सबके लिए DMLT कंपलसरी है। एक सतना मेडिकल कॉलेज का मैं आपको बता देता हूं, सतना मेडिकल कॉलेज में टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए 1 साल का अनुभव मांगा है, तो अगर किसी के पास अनुभव नहीं है तो वो अनुभव बनवा सकता है, क्योंकि बिना अनुभव के आपका सिलेक्शन होगा नहीं। देखो सतना की मैं बात कर देता हूं, टेक्नीशियन का जो है 29 पद हैं, अच्छे खासे पद हैं। फिर बोलता हूं मैं कि सेकंड क्लॉज के आप पद मानिए, उसमें से आप 3 घटा दीजिए 13% आरक्षण के लिए, तो 26 बचे आपके। 13% पदों की जो सूची बनेगी और वो रिजर्व रहेगी, जब हाई कोर्ट से फैसला आएगा तब होगा। इसमें भी DMLT, BMLT, टेक्नीशियन असिस्टेंट की बात कर लेते हैं। टेक्नीशियन असिस्टेंट का भी सेकेंड क्लॉज के आप पद मानिए। अब इसमें योग्यता क्या मांगी है? अभ्यर्थी ने बायोलॉजी, केमिस्ट्री तथा फिजिक्स विषयों से 10-2 प्रणाली में 12वीं उत्तीर्ण किया हो, मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में डिग्री डिप्लोमा प्रमाण पत्र, मतलब DMLT, मध्य प्रदेश परिषद का जीवित पंजीयन हो, पैरामेडिकल का चाहिए, किसी भी पैरामेडिकल कैडर में कोई भी पोस्ट हो उसका चाहिए, और किसी भी चिकित्सा में 100 बिस्तर में 1 वर्ष का अनुभव चाहिए। तो ये आपको बेनिफिशियल है, अगर जो कहीं काम कर रहे हैं कम से कम 100 बेड के अस्पताल में, तो वो जरूर इसके लिए करें। बाकी आपका ये पूरी डिटेल्स थी, आप इसको रीड कर लेना। जो भी क्वेरीज हो आप निसंदेह मेरे मोबाइल नंबर पे 9826347851 पे आप मुझसे पूछ सकते हो, और कभी भी आप मेरे को फोन लगा सकते हो, बराबर मदद करेंगे। इसके बाद मैं आपको एक वीडियो जो अपलोड करूंगा एक सिक्वेंस ऑर्डर को, कि आपको कैसे कैसे प्रेफरेंस देनी है जब आपको MP ऑनलाइन पे जाके फॉर्म को फिल करना है, और सिलेबस का भी हम डिटेल्ड जो है आपको विस्तृत बताएंगे कि क्या क्या पूछा जा सकता है, कैसे आ सकता है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।